छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने दूध से बने खाद्य पदार्थों को जांच के दायरे में लिया है। आपको बता दें कि रायपुर के साथ ही बलरामपुर, बलौदा बाजार, सरगुजा, कबीरधाम जिलों में दुकानों की जांच की गई है और इन्हीं दुकानों से पनीर, दही और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं राजधानी में एक दुकान से सैंपल लेकर 50 किलो क्रीम नष्ट की गई है। बताया जा रहा है कि प्रदूषित सामग्री के साथ ही नकली पनीर की भी कुछ शिकायतें सामने आ रही है। दरअसल बलरामपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। वहीं कार्यवाही के बाद मुख्यालय के होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बरसात के मौसम में स्कूल परिसर के बाहर या होटलों में गंदा पानी या मक्खियों से भरा खाद्य पदार्थ पाया जाता है, जिसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज सभी दूध, पानी और पेयजल टंकियों का निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि नियंत्रक श्री कुलदीप शर्मा सर एवं कलेक्टर बलराम पुरेक्का सर के द्वारा बरसात के मौसम में स्कूल परिसर के बाहर में एवं होटलों में गंदे पानी या अन्य किसी खाद्य पदार्थ अगर मक्खी युक्त है, इस प्रकार के चीज़ों के जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। उसी के तहत बलरामपुर जिला मुख्यालय में आज समस्त होटलों में दूध, पानी और जो पानी पिलाने के टंकी हैं, इन सब की जांच की जा रही है, जिसमें से स्कूल के पास जो CMHO ऑफिस के चौक वो स्कूल है, वहाँ पर दो होटलों में जो ग्राहकों को पानी पिलाया जाता था उसमें कीड़ा मिला है, तो उन लोग दोनों का पानी को मौके पर नष्ट करा के नोटिस भी दिया जा रहा है। और यहाँ कलेक्टर ऑफिस चौक के पास, कलेक्टर ऑफिस के सामने के होटलों में दूध और पानी की जाँच की जा रही है।